गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्टीट्यूट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मंडी परिषद का डेट जो है नज़दीक आ गया है और स्टूडेंट हमें शांत नहीं बैठना है। ये चंद्रा इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए ही प्रैक्टिस सेट जो है कथन निष्कर्ष, ऑब्वियसली जो है मैं फोकस कर रहा हूँ कथन निष्कर्ष, जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के कोई भी मैथमेटिकल टूल्स नहीं होते। जितने अच्छे तरीके से आप इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कथन निष्कर्ष के जो समस्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कथन निष्कर्ष को के जो आपके सामने 5 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और उसको हम कैसे आपके सामने कितना आसानी तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा और कुछ बेसिक टूल्स बताने जा रहा हूँ जो कि कथन और निष्कर्ष में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको उसको लगाने से ही जो है कथन और कथन के समक्ष जो निष्कर्ष दिया होता है, उस निष्कर्ष को सही या गलत कैसे हम पता कर लेते हैं। तो आइए कुछ आपको बेसिक टूल्स बताने जा रहा हूं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी सहायता हम अपने वीडियो के माध्यम से कर पाएँ। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले पता करना होता है कि कथन कहलाता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कथन जो कथन होता है, स्टेटमेंट, आपको ये मानना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने वो 100% सत्य मानकर हम सॉल्व करते हैं। सोचिए जरा, आपके सामने कोई कथन दिया गया है तो सबसे पहला टूल्स आपको याद रखना है कि आपको अपना दिमाग उसमें बिल्कुल लगाना नहीं होता है। आप जितना जो है आप अपना दिमाग लगाओगे, उतना ही निष्कर्ष को आप गलत साबित करते जाओगे। तो पहला रूल क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें लिखी हुई प्रत्येक शब्द को आपको 100% सत्य मानना है। क्या मानना है? सत्य मानना है। दूसरा बेसिक टूल्स ये कहता है कि अगर कोई कथन पॉजिटिव है, यदि कोई कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, तो बच्चों आपको मैं बता दूं, स्टेटमेंट यदि मैं कह रहा हूं कि मैं बीमार नहीं हूं, कहीं ना कहीं इसमें निगेटिव शब्द आया है, नॉट यूज हुआ है, तो वो निष्कर्ष निगेटिव होते हैं। मैं कहूँ आधा ग्लास पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब जो है आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और आधा ग्लास पानी खाली है मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है। तो याद रखिएगा, जो कथन यदि पॉजिटिव होगा तो उसका निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यदि कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष क्या होगा? निगेटिव होगा। दो टूल्स, पहली बात की ये कि कथन में दी गई जो भी बातें होंगी, यदि कथन में दे दिया गया कि सूर्य रात में उगता है तो आपको अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना होगा कि अरे हम तो जानते हैं सूर्य दिन में उगता है। नहीं दोस्तों, आपको ये मान लेना होगा कि सूर्य कहाँ उगता है? रात में उगता है, और सूर्य रात में उगता है जो भी निष्कर्ष दिया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला रूल्स, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, कथन में दिया गया 100% बात सत्य होती है। और तीसरा रूल देखिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स टॉपिक होते हैं, जो बेसिक होता है उसको आपको सीखना पड़ेगा। यदि किसी निष्कर्ष में आपको कुछ टर्म्स दिख जाए तो 90% वो निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, निष्कर्ष में यदि कहीं ऑल दिख जाए, अगर किसी निष्कर्ष में ऑल दिख जाए या नेवर दिख जाए, किसी निष्कर्ष में सभी दिख जाए, कभी नहीं दिख जाए, या नो वन दिख जाए, या ईवर दिख जाए, या सदैव, सबका हिंदी भी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, सभी, कभी नहीं, कोई नहीं, सदैव, ये सब, या ऑलवेज, ये सब ऐसे टर्म होते हैं। अगर निष्कर्ष में ये सब वर्ड दिख जाएं तो मैक्सिमम केस में वो निष्कर्ष जो है गलत हो जाता है विद्यार्थियों। अब आइए, अब आपको बताते हैं कि ऐसे निष्कर्ष जिसमें कुछ वर्ड्स दिख जाएं तो वो निष्कर्ष सही हो जाते हैं, वो होते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, आइए, जिसमें सम दिख जाए, जिसमें फ्यू दिख जाए, एटलीस्ट दिख जाए,
और मे या माइट दिख जाए, ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सही हो जाते हैं। तो आइए आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपके लिए जो अब ये भी हो सकता है बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही कथन और निष्कर्ष आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो आइए आपको उदाहरण की सहायता से मैं अपना टूल्स लगा करके आपको कुछ प्रैक्टिस करने में मदद करता हूँ। तो आइए कथन में पहला लिखा हुआ है, जरा कथन पहला आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कथन में पहला लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, अपना दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है, और मैं तो कहता हूँ हो सके तो एक ऐसा बेबी बन जाइएगा कि आपको इस दो लाइन के अलावा कुछ भी नहीं आता, आपको नाम तक नहीं पता, तो आप जो है निष्कर्ष बिल्कुल आसानी से पता कर लोगे। जैसे कैसे, देखिए बोल रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। अब हमें पता चल गया कि विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोफेसर होंगे उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी। अच्छा, अब दूसरे कथन में दे रहा है कि एक्स एक व्यक्ति है या महिला है या पुरुष है, कोई भी है, एक महिला प्रोफेसर है, एक्स क्या है, महिला प्रोफेसर है। हमें दो लाइन सिर्फ पता है, पहला ये कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं, और एक महिला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर है। अब आपको निष्कर्ष क्या निकालना है, लिखा है एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। स्टूडेंट्स आपको कथन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो भी प्रोफेसर होगा उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो भी प्रोफेसर होगा उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी, और एक्स एक महिला प्रोफेसर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी। तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, जितना स्टेटमेंट बोला उतना ही मैंने किया। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पॉज रखना, हैव डॉक्टरेट की डिग्री रखना एक पॉजिटिव सेंस देता है और यहाँ निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए मैंने बोला कि पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ निगेटिव दिया है तो इसलिए भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक शब्द आता है आपको मैं बता दूं जिसमें केवल शब्द दिख जाए, जिस निष्कर्ष में केवल शब्द भी दिख जाए वो निष्कर्ष मैक्सिमम केस में गलत हो जाता है। विद्यार्थियों आपको बता दूं कि कोई भी मैथमेटिकल टूल्स नहीं होता जिसकी सहायता से आप किसी भी निष्कर्ष को सही या गलत कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, आप एक न्यायाधीश बन जाओ और आपको न्याय करना है, और न्याय जो है आपके पक्ष में ये विटनेस है, और इसको पढ़ करके आपको बताना होगा कि ये जो कथन दिया हुआ है वो आपके विपक्ष में है, और उन्होंने अपना तर्क रखा हुआ है, और किसके तर्क में आप फैसला सुनाओगे, किसके पक्ष में आप फैसला सुनाओगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाइए, लिखा है दूसरा निष्कर्ष कि केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ लिखा है कि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं केवल पुरुष प्रोफेसर के पास ही डॉक्टरेट की डिग्री है, तो कहीं ना कहीं यहाँ केवल पुरुष दिया हुआ है, इसलिए यह निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। विद्यार्थियों आप हमसे जुड़े रहिए, हम जितना से ज़्यादा हो सकता है उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगला वीडियो में पूर्व धारणा पर लेकर आने वाला हूँ, जरूर आप वीडियो को देखिएगा। ये जो 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आप जरूर देखिएगा, और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए अब कथन नंबर 2 पर हम चलते हैं, और अब ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता। मतलब ये कि जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता है। अब अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और अगले ही कथन में लिखा हुआ है कि एक्स बाहर गया है। स्टूडेंट्स आपको मान लेना है कि जब वर्षा होगी तो एक्स बाहर नहीं जाएगा, यदि एक्स बाहर गया है तो आपको निष्कर्ष बताना है वर्षा नहीं हो रही है। आप कड़ी से कड़ी को जोड़ कर रखना है बच्चों, ये बोला है एक्स बाहर गया है, इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है तभी वो बाहर गया है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखो, एक्स को कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। बच्चों
आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ कुछ कार्य करने के लिए बाहर गया होगा, नहीं, हमें अपने दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करना है और इसमें हमें नहीं पता कि किस लिए वो बाहर गया है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए कथन नंबर 3 पर हम चलते हैं और कथन नंबर 3 क्या कहता है जरा ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है कि यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो केवल शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द आया है, यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे इस पाठ्यक्रम को सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो सभी बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब सभी बच्चे उसको सीख अपने से नहीं सकते, कुछ थोड़े से ही बच्चे हैं जो स्वयं पाठ सीख सकते हैं। अच्छा, निष्कर्ष में क्या दिया गया है, इस पाठ्यक्रम में पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है। मतलब वही चीज़ जो कथन में दिया गया है उसी चीज़ को यहाँ भी बोल रहा है कि इस पाठ्यक्रम में पाठ सीखना, ये देखो, सभी बच्चों के लिए क्या है, वांछनीय है। आपको मैंने बोला था कि जहाँ सभी दिख जाए, जहाँ आल दिख जाए, वो निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। और वैसे भी आप देख लो, यहाँ कुछ लड़के तो पाठ स्वयं सीख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ दे दिया है कि सभी बच्चे पाठ नहीं सीख सकते, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से मैं और ये जो चंद्रा इंस्टीट्यूट्स है आपकी सहायता कर सके। आइए, निष्कर्ष दूसरा क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष दूसरा लिखा हुआ है कि शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम में पाठ सीखने में कुछ विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। ऑब्वियस सी बात है कि बोल रहा है कि अब इस पाठ्यक्रम को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि इस पाठ्यक्रम को कुछ थोड़े से ही बच्चे सीख सकते हैं। मान लेते हैं यदि 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10 विद्यार्थी स्वयं पढ़ सकते हैं, बाकी 90 को टीचर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी पाठ सीखने में, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए ध्यान से उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको कथन निष्कर्ष सही करना है तो आपको टर्म्स को बहुत ही आसानी से समझना पड़ेगा, तोड़ तोड़ कर समझना पड़ेगा। क्यों, यदि आप कथन को ही नहीं समझ पाओगे तो निष्कर्ष कैसे निकाल पाओगे, बताओ। कोई न्यायाधीश है, यदि आप उसके विटनेस के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो प्रूफ होता है उसी को एनालिसिस नहीं करेगा तो कैसे वो निष्कर्ष दे पाएगा या कैसे वो न्याय कर पाएगा। तो आइए हम तोड़ते हैं, भाग्य क्या होता है और बहादुर, दो शब्द दिया हुआ है और आपको दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, और वहाँ लिखा हुआ है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो आइए निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर जो लिखा गया है ना उसी को तोड़कर बताया है, ये क्या बताया है, भाग्य बहादुरों का साथ नहीं देता, मतलब बहादुर वो व्यक्ति होते हैं जो खतरा उठाने के लिए हमेशा क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है, खतरा उठाने वाले लोग, जो खतरा उठाएगा उनके पास अवसर, उनको जो सफलता के अवसर होते हैं वो भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि खतरा उठाने वाले लोगों के लिए सफलता के अवसर अधिक हैं। भाई, मान लो एक आर्मी की दौड़ हो रही है, एक बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि अरे यार मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, वो नहीं गया दौड़ने। एक लड़का सोच रहा है चलो यार फेल हो जाएंगे, तो भी दौड़ने गया, तो किसके पास अवसर ज़्यादा हुआ, जो दौड़ने गया। तो वही बोल रहा है कि खतरा उठाने वाले लोगों के पास सफलता के अवसर अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष जो है कथन को संतुष्ट करता है। ओके, दूसरा लिखा है कायर।
आपको मैंने बोला कथन में दी गई हर एक बात शत प्रतिशत सत्य होता है और कथन के बाहर जो भी बात मिलती है वो हम तुरंत नेग्लेक्ट कर देते हैं। कायर शब्द का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी कायर शब्द का डिस्कशन ऊपर वाले कथन में कहीं दिया ही नहीं गया है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए कथन नंबर अगला, कथन नंबर 5 लिखा है क्या कि 35 नंबर की अधिकांश बसें, 35 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय को जाती हैं। कोई बस है 35 नंबर, अधिकांश का मतलब 90% जाती होंगी, 10% नहीं जाती होंगी, है ना बच्चों, 90% जाती होंगी उसके कार्यालय को 35 नंबर की बसें, और जो 35 नंबर की 10% बसें हैं वो नहीं जाती होंगी, मान लिया मैंने। अब लिखा है कथन में दूसरा, यह शब्द याद रखिएगा ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, ऊपर दिए गए कथन में जो 35 नंबर की बस है, क्या बोल रहा है कि यह 35 नंबर की बस है, मतलब उस बस को इंडिकेट कर रहा है जो उसके कार्यालय को जाती है, उस 35 नंबर की बस जो उसके कार्यालय को जाती है उसी के बारे में यह शब्द, यह जो सर्वनाम यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि यह बस मेरे कार्यालय को जाती है, तो यह भी जो प्रोनाउन है उसी को यू इंडिकेट कर रहा है कि वो बसें जिसका नंबर 35 है और मेरे कार्यालय को जाती हैं, और यह बस मेरे कार्यालय को जाती हैं, इसी को बोल रहा है। इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा बोल रहा है यह बस मेरे कार्यालय को नहीं जाती है, अरे भाई जब बस 35 नंबर की बस उसके कार्यालय को जाती है तो ये क्यों बोल रहा है कि नहीं जाती है, इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक प्रोटोटाइप दिया है, और जो टूल्स बताया है आप उस टूल्स को कभी मत भूलिएगा। क्या कथन में दी गई कोई भी बात 100% शत प्रतिशत सत्य होती है उसमें हम अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, कथन में जो भी दिया गया होता है उसको पूर्णतया सत्य मानकर हम निष्कर्ष में देखते हैं क्या निष्कर्ष उसको फॉलो कर रहा है, यदि फॉलो कर रहा है तो सही, यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो गलत। दूसरी बात मैंने बोला था ऐसे निष्कर्ष जिसमें ऑल नेवर एनीवन ऑलवेज नेवर ये सब ऐसे वर्ड्स हैं यदि आपके निष्कर्ष में आते हैं तो 90% केस में ये निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ऐसे निष्कर्ष जिसमें सम मे माइट फ्यू ऐसे वर्ड दिखता है जिसमें शायद या संभावना प्रकट की जाती है ऐसे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। चलिए आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धातुओं को गर्म करते हैं, कथन दे दिया, ध्यान से देखिए जरा आप बता पाते हैं कि नहीं, ओके। धातुओं को गर्म करते हैं, धातुओं को गर्म करते हैं तो धातुएं फैलती हैं, ओके। धातुओं को गर्म करते हैं तो धातुएं फैलती हैं, अच्छा निष्कर्ष दिया हुआ है, आप देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं पाते हो, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अधातुओं को गर्म करने पर नहीं फैलती, अधातुओं को गर्म करने पर नहीं फैलती, बताओ जरा कि ये सही है कि गलत। स्टूडेंट्स मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आपको प्रैक्टिस सेट कल लेकर आऊँगा, कथन और पूर्व धारणा से लेकर आऊँगा, और ज़रूर आप देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।